साथियों आप सभी का श्री गणेश एकेडमी में जोरदार स्वागत है। आज आपके लिए युगपत समीकरण लेकर आया हूँ। यह चैप्टर अपने आप में बड़ा ही महत्वपूर्ण है। चाहे आप क्लास स्टूडेंट हो या कॉम्पिटेटिव स्टूडेंट हो, दोनों के लिए यह चैप्टर बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आप युगपत समीकरण से पहले से ही परिचित होंगे। यह चैप्टर कक्षा 8 में भी है, युगपत समीकरण 9 में भी है और 10 में भी आप पढ़ रहे हैं। इसके बारे में कुछ ना कुछ आप जानते होंगे। युगपत समीकरण को हल करने के लिए जैसा आप जान रहे हैं, युगपत, युग माने होता है जोड़ा, पत माने लाइन, इसमें दो लाइन का जोड़ा होता है। आप देख रहे हैं जो भी सवाल है इसके हाई स्कूल स्तर में हल करने के लिए तीन विधियां बताई गई हैं। आपके किताब में तीन विधि से प्रश्न हल करने के लिए दिया गया है और परीक्षा में किसी भी विधि से पूछा जा सकता है। तो आज हम विलोपन विधि का वर्णन करेंगे, बताएंगे। पहला विधि है विलोपन विधि, नंबर दो पर है प्रतिस्थापन विधि, नंबर तीन है वज्र गुणन विधि। इन तीन माध्यम से आपको प्रश्न को हल करना है। तो पहला हम आज चर्चा करेंगे विलोपन विधि। अब विलोपन विधि में क्या करना होता है मित्र, आप देख रहे हैं दो चर राशियों में, मतलब एक प्रश्न लिया है x माइनस वाई बराबर दो दिया गया है समीकरण एक, दूसरा समीकरण है x प्लस वाई बराबर दो समीकरण दो दिया गया। यह प्रश्न अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह प्रश्न बार बार पूछा गया है। यूपी बोर्ड 2015 पेपर संकेतन CH में यह प्रश्न आया था। यूपी बोर्ड 2016 के DH पेपर संकेतांक में यह प्रश्न पूछा गया है, इसलिए मैं इसका उदाहरण लिया हूँ। विलोपन विधि में आपको ध्यान देना होता है, सबसे पहले चाहे x का गुणांक या y का गुणांक, दो में से किसी एक का गुणांक बराबर होना चाहिए। दोनों समीकरण से, समीकरण एक में देखा जाता है और समीकरण दो में देखिए और उसमें से देखिए कि x का गुणांक बराबर है कि या y का गुणांक बराबर है। यदि x या y किसी का भी यदि गुणांक बराबर है तो आपको देखा जाता है कि चिन्ह अगर विपरीत हो तो जोड़ने पर लिखकर काट दीजिए, अगर चिन्ह समान है तो घटाने पे लिखा जाता है, चिन्ह बदला जाता है मित्र। तो अब देखिए इसमें जैसे x का गुणांक भी बराबर है और y का भी गुणांक बराबर है। अब गुणांक किसे कहते हैं मित्र, पहले समझ लीजिए। जैसे यहाँ लिख दिया गया, मैंने 2x लिखा प्लस 3y, तो x का गुणांक 2 है, y का गुणांक 3 है, यही इसके गुणांक है। इसी को आपको जानना है, गुणांक बराबर करना है। तो समीकरण एक और दो में दोनों में देखिए x का गुणांक भी बराबर है और इसमें भी x का गुणांक बराबर है, अर्थात x का गुणांक एक है और समीकरण दो में भी x का गुणांक एक है। y का गुणांक देखेंगे तो इस समीकरण एक में y का गुणांक एक है, समीकरण दो में y का गुणांक एक है। लेकिन अब ध्यान से देखिए तो x y के गुणांक जो है, चिन्ह जो है विपरीत में है, तो आप लिखेंगे समीकरण एक व समीकरण को दो को जोड़ने पर, समीकरण एक समीकरण एक व दो को जोड़ने पर, अब जोड़ने पर मतलब हुआ कि y का गुणांक एक ऋण में है एक धन में है, तो कट जाएगा जब आप जोड़ेंगे तो विलोपन कट जाएगा। अब एक एक दो x हो जाएगा, दो x बराबर दो दो चार हो गया। अब x बराबर दो और x के बीच में गुणा का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह जब बाई तरफ भेजते हैं तो भाग हो जाता है। इसको मैं पहले भी बता दिया हूं कि पक्षांतर विधि इसको कहते कहा जाता है, पक्षांतर का नियम। अगर गुणा है बाई तरफ भेजेंगे तो भाग हो जाएगा, भाग है तो धन में, भाग है तो गुणा में बदल जाएगा, धन है तो ऋण हो जाएगा, ऋण है तो धन हो जाएगा। ये चार परिवर्तन है। x बराबर चार बटे दो, दो दुनी चार, x का मान कितना हुआ, दो हुआ। अब इसके बाद x का मान पांच, समीकरण चाहे एक में रखिए चाहे दो में रखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप इसके लिए स्वतंत्र हैं। तो x का मान समीकरण एक में रखने पर, मैंने ले लिया एक में रखने पर, आप समीकरण ऐसे यहां नीचे उतार दीजिए, x ऋण y बराबर दो।
अब यक्ष का मान कितना है? 2। इसी के स्थान पर प्रतिस्थापित कर दीजिए, मतलब रख दीजिए, यहाँ 2 लिख दीजिए, ऋण वाई बराबर 2। तो ऋण वाई बराबर 2 और उधर जाएगा ऋण 2। यक्ष ऋण वाई बराबर 2 और यक्ष का मान आया है 2, ऋण वाई बराबर 2 में से 2 गए, अब 2 में से 2 घटाओगे 0 आएगा, और ऋण वाई बराबर 0, तो वाई बराबर, मित्र यहाँ ध्यान देना कि जीरो जो होता है ना तो धन में होता है ना तो ऋण में होता है, वो निरपेक्ष होता है, तो वाई बराबर 0 हो गया। अब यक्ष का मान कितना आया? यक्ष बराबर 2 और वाई बराबर 0, इसके ए हल है, आंसर बराबर हुआ यक्ष का मान 2 और वाई का मान 0। अब आपको जांच करना हो तो सभी इसका जांच आप कर सकते हैं, यहाँ इधर साइड में हम जांच कर रहे हैं, जांच कैसे करेंगे? समीकरण 1 पहले लिख दे रहे हैं, यक्ष माइनस वाई बराबर 2। अब बाएं पक्ष में अचर पद है, यक्ष और वाई है, तो यक्ष और वाई का मान हल रखिए, बाएं पक्ष में रखिए, अगर उनका हल करने पर दाएं पक्ष बराबर हो जाए आ जाए तो जान लीजिए हमारा सवाल सही है, नहीं तो गलत है। तो यक्ष का मान 2, वाई का मान 0 बराबर 2, मतलब 2 में से 0 घटाएंगे 2 आएगा, कहने मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, बाया पक्ष और दाया पक्ष बराबर है, मतलब कि इसका मान यहाँ रखने पर आ गया। इसी तरह से आप समीकरण 2 में भी रखकर आप देख सकते हैं, यक्ष का मान 2 रखेंगे और वाई का मान 0 रखेंगे, 2 में 0 जोड़ेंगे तब पर भी 2 आएगा, अर्थात यक्ष का मान 2 वाई का मान 0, वेरिफिकेशन करने पर हमें पता मिला कि बिल्कुल सही है, आपको आंसर चेक करने की जरूरत नहीं है। अब ये तो था आपका गुणांक बराबर था, दूसरा उदाहरण लेते हैं, 3x + 4y = समीकरण 1, दूसरा समीकरण है 2x - 2y = समीकरण 2। अब इसका आप देखिए, समीकरण 1 में यक्ष का गुणांक 3 है, समीकरण 2 में यक्ष का गुणांक 2 है, इसी तरह y का गुणांक देखते हैं, समीकरण 1 में y का गुणांक 4 है, समीकरण 2 में y का गुणांक 2 है, यह देखने से पता हुआ कि न तो यक्ष का गुणांक बराबर है और न तो y का गुणांक बराबर है, आपको आपको किसी एक का गुणांक बराबर करना पड़ेगा। अब चाहे यक्ष का गुणांक बराबर करिए चाहे y का गुणांक बराबर करिए, तो हम मान लीजिए हम यक्ष का गुणांक बराबर करते हैं, तो यक्ष का गुणांक बराबर करेंगे तो यक्ष के गुणांक जो है एक दूसरे के में यक्ष के गुणांक से गुणा कर दिया जाता है। अब समीकरण 1 में यक्ष, समीकरण 2 के यक्ष गुणांक कितना है? 2 है, तो 2 से गुणा कर दिया जाएगा। अब समीकरण 2 में समीकरण 1 के यक्ष का गुणांक कितना है? 3, 3 से गुणा कर दिया जाएगा, अब इनका गुणांक बराबर हो जाएगा। 2 से गुणा करेंगे तो 2 × 3 = 6x + 2 × 8y = 20, ये समीकरण 3 हो गया। 3 से गुणा करेंगे 3 × 6x + 3 × 6y = 3 × 6, समीकरण 4 ही बना। अब मित्र देख लीजिए यक्ष का गुणांक बराबर हो गया। अब जब यक्ष का गुणांक बराबर हो गया तो चिन्ह घट, अब यहां पर देखिए कि यक्ष का गुणांक विरूपित कैसे होगा, दोनों चिन्ह बराबर हैं तो चिन्ह बदल दिए जाते हैं, अर्थात समीकरण 3 से समीकरण 4 को घटाने पर, आप मित्र जानते हैं कि घटाते समय चिन्ह जो है आपस में बदल जाते हैं जिसको घटाते हैं, अब समीकरण 4 को घटा रहे हैं इसका चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ धन है तो अब यहाँ इसी को देखेंगे, समीकरण 4 के यक्ष का चिन्ह, यक्ष का और वाई का चिन्ह देखा जाएगा, तो यहाँ धन है तो यहाँ ऋण हो जाएगा, यहाँ ऋण है तो यहाँ धन हो जाएगा, यहाँ धन है तो ऋण हो जाएगा, दोनों तरफ देखा जाएगा, बाएं पक्ष तरफ दाहिने पक्ष तरफ भी, और यहाँ जो गुणा किया गया है दोनों पक्ष में गुणा किया गया है। अब यह देखिए 6x और 6 बराबर है, अब विपरीत चिन्ह है तो कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ देखिए, अब चिन्ह धनात्मक हो गया, ऊपर भी धन का चिन्ह नीचे भी है, तो 8×6 = 14y = 20 में से 6 घटाइए 14 आएगा। अब y बराबर वही प्रक्रिया, दोनों के बीच में 14 और y के बीच में गुणा का चिन्ह है, बाएं तरफ जाते समय भाग हो जाएगा 14/14, 14 में 14 भाग दे दीजिए 1 आएगा, y का मान कितना हुआ 1 हो गया। अब y का मान समीकरण आपकी 2 में रख दे रहे हैं, समीकरण 2 में रखने पर अब समीकरण 2 क्या है, इसको 2x
माइनस दो वाई बराबर दो। अब इसी में मान रखना है दो एक्स ऋण दो गुणे वाई का मान कितना है एक आया है, तो दो और वाई के बीच में गुणा का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह लगा करके एक लिख दिया गया बराबर दो। दो एक्स ऋण दो करना दो बराबर दो, दो एक्स बराबर दो, अब ये दो उधर जाएगा तो धन हो जाएगा, दो एक्स बराबर चार, तो एक्स बराबर चार बटे दो, यहाँ दो और एक्स के बीच में गुणा का चिन्ह है, उधर जाएगा भाग हो जाएगा, दो दूनी चार, एक्स का मान कितना हुआ दो, एक्स बराबर दो और वाई बराबर एक, ये आपके इसके हल हैं। यदि मित्र आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद, जय भारत।